वेलकम बैक टू डे 14। रॉनी की आज 14 वीडियो है, 14th। इस वीडियो में अब तक आते आते आपने अपने डॉग को काफ़ी परफेक्टली सिखा चुके होगे। आप देखा होगा आपने कि पहले कैसा था आपका डॉग और रॉनी कैसा था और कितने सुधार आए हैं। आई होप कि आपने भी काफ़ी कुछ सिखाया होगा अपने डॉग्स को। तो चलिए आज की वीडियो जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कमांड जो है स्टैंड अप बहुत काम की कमांड है, एक ओबीडियंस का एक पार्ट है। आपका डॉग बैठा हुआ है, अगर आप उसको खड़े होने को बोल रहे हैं तो खड़ा नहीं हो रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपको स्टैंड अप कमांड अगर दोगे इसको तो तुरंत ही किसी भी पोजीशन में हो वो चारों पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये कमांड सिखाना बहुत ज़रूरी रहता है और डॉग काफ़ी परफेक्ट दिखता है इसमें ट्रेनिंग में ये कमांड सिखाने के बाद। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको डॉग को जैसे सिट वगैरह आपने अगर सिखा लिया है तो उसके बाद आपको बहुत ईजी पड़ता है इस कमांड को सिखाने में, ठीक है। करता तो वैसे भी है, खड़ा तो वैसे भी हो जाता है डॉग, बट कमांड के पे जब खड़ा होने लगता है तब उसको बोलते हैं ट्रेन डॉग, ठीक है। सिट बॉय, सिट जानता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, उसके कई सारे तरीके हैं। या तो आप ट्रीट को दिखा के स्टैंड अप ऐसे बोला और बस ट्रीट थोड़ा आगे दिखाई खड़ा हो गया, जब डॉग गुड बॉय बोला फिर से ट्रीट कर दिया, गुड बॉय शाबाश। फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिट गुड बॉय स्टैंड अप, थोड़ा आगे ट्रीट को नाक के पास स्टैंड अप गुड, ऐसे करके रोका और ट्रीट कर दिया गुड, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, तो इससे भी स्टैंड अप सीख जाता है। दूसरा जो मेथड होता है इसमें कि आप अगर डॉग इस तरीके से नहीं उठ के आ रहा है तो आप पास में खड़े खड़े उसको क्या करेंगे, आप सिट बॉय सिट गुड, कुछ नहीं करना है आपको, ट्रीट वगैरह आपको बस हाथ में रेडी रखनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टैंड अप, हल्का सा पैर या हाथ भी लगा सकते हो, गुड शाबाश। डॉग को खुद से ही घर पे सिखाना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जो व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं, घर बैठे खुद से अपने डॉग को सिखाइए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिया जाना है, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक मैसेज करना है हेलो और ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो ट्रेनिंग करके लिखना है। आपको केवल ट्रेनिंग डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी और कैसे ज्वाइन करना है क्या करना है हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। आपको झुकना ही नहीं पड़ेगा, जैसे डॉग खड़ा हो जाए तो ट्रीट करना है शाबाश। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होता है, टाइमिंग का थोड़ा सा गैप होता है कि जब आप कमांड दे रहे हैं उसको तो उसके बाद इशारा करना है, पहले बोलना है सिट, ठीक है, स्टैंड अप, फिर इशारा देंगे तो उसको पता होगा स्टैंड अप के बाद ऐसे खड़ा होना होता है, तो वो आपके बोलने पे धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा। तो इस तरीके से कमांड को सिखाएंगे, बहुत परफेक्टली डॉग सीख जाएगा। लोग अपने डॉग्स को सिखा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं कि हमको ये दिक्कत आ रही है या ये कमांड है, तो मैं उनके सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताइए आप किस तरीके की वीडियोस चाह रहे हैं और कैसी वीडियोस चाह रहे हैं, और इसके थ्रू आप अपने डॉग को काफ़ी नो बॉय स्टे रिलैक्स काफ़ी मेहनत बना सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। वो दूसरे डॉग को देखकर रिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले तो ये रुकता भी नहीं था बट अब मानने लगा है, ठीक है, काफ़ी देर तक बैठा रहता है। तो इतना परफेक्शन आ चुका है, आप खुद ही देख रहे होगे इसकी ट्रेनिंग में। अगर आपको लगता है कि कोई और दूसरी ब्रीड है तो उसके बारे में हमें बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। सो मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग।